नमस्कार भैया, मैं हूं आपका अपना शर्मा जी, यानी कि फर्जी पत्रकार। मेरे साथ मौजूद है अनुराग ओझा, जो कि काफ़ी चर्चे में थे अपनी बातों को लेके, और आज तो मुझे लग के लग रहा है कि बीजेपी समर्थक बन गया भगवा कलर का गमछा डाल के, रेड गमछा पहन के। पता था सब, सवाल तो हमारा काम तो है ही नहीं सवाल करना, आप ही सवाल करने लगते हैं। देखिए, आपको जब चैनल का नाम ही फर्जी पत्रकार है तो आप फर्जी ही सवाल करेंगे। तो फर्जी सवाल तो जान के करवे करेंगे कि जवाब देना तो आपका काम है ना, तो हम फर्जी जवाब भी देंगे, फिर उसी हिसाब से मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं और देखते हैं, क्योंकि एक तरफ भैया भगवा कलर का गमछा और एक तरफ सफेद गमछा, यानी कि जो जनता पहनती है वो गमछा। अब ये तो ये दर्शाएंगे कि भैया इनकी बातों से पता चलेगा कि ये किसको दर्शा रहे हैं। तो पहले बता दीजिए, आज जो प्रोटेस्ट किए थे इंडियन यूथ कांग्रेस, जो प्रोटेस्ट किया था, जो पर्चा लेकर आप चल रहे थे, उस पर्ची के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, हम लोग न्याय की बार बार बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, महिला न्याय की बात कर रहे हैं, किसान न्याय की बात कर रहे हैं, युवा न्याय की बात कर रहे हैं। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुआड़ू पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी, उसका जो सबसे झूठा मुखिया है, अब आप जान गए होंगे उस मुखिया का नाम क्या है, वो बार बार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहा है, जनता को गुमराहित करने का काम कर रहा है, तो इसलिए जनता उसे नकारना चाहती है। न्याय पर जनता भी बात करना चाहती है, और आप जैसे फर्जी पत्रकारों को भी चाहिए कि न्याय पर ही बात की जाए, न्याय पे ही बात कर लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि मतलब जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जो तीन नाम रख दिए, तीन तीन नाम आपने बता दिए, उसके राज में आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, आप बताइए, 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल में इन्होंने किसानों को न्याय दिया हो तो आप बता दीजिए, महिलाओं को न्याय दिया हो तो बता दीजिए, भागीदारी की न्याय की बात की हो तो बता दीजिए, श्रमिक न्याय की बात की हो तो बता दीजिए, महिला न्याय की बात की हो तो बता दीजिए। आप बताइए कि 5-10 सालों में इन्होंने किया क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, धारा 370, फलाना ढिमकाना, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया हो तो बताइए आप मुझे। बोलिए महाराज, है कुछ मुद्दा इनके पास? हम ही जवाब दे देंगे, फिर आपसे कहीं बात करने बैठे। नहीं तो आप बताइए ना कि इन्होंने 10 साल में क्या किया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये सरकार झूठी है, और जो सरकार झूठी है वो सरकार बदलनी है। अच्छा, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास का नारा जो लगाते हैं लोग, आपकी बार तो 400 पार का नारा भी लगा दिया। देखिए, सबका साथ सबका विकास की आपने बात की, क्या सबके साथ में महिला नहीं आती है, किसान नहीं आता है, युवा नहीं आता है, मणिपुर नहीं आता है? मणिपुर के लोगों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? अच्छा, मणिपुर की बात करते तो फिर राजस्थान भी आना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि देश में कहीं भी महिलाओं के साथ में गलत होगा तो अनुराग ओझा बिना राजनीति के बोलता रहेगा, वो तो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जैसे महिलाओं पर अगर अत्याचार होगा तो अनुराग ओझा उनकी ईंट से ईंट बजा। अच्छा, तो आपके ऊपर तमाम आरोप जो लगे हुए हैं, उस तमाम आरोप से बात कर लेते हैं। जैसे आपकी काफी वीडियो बीच में चर्चे में आई थी, क्योंकि आप काफी देखे मैंने, आप ज्यादा चर्चे में रहे तो आपके काफी पर्चे में भी रहे आप, देखे मैंने आपकी, तो जिस तरीके से आपके जवाब रहे हैं कि सब कहते हैं कि इनको सिर्फ फंडिंग होती है कहीं से, इसलिए बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। हे भाई, अभी तक तो कहीं से फंडिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर हाँ कहीं आपके संपर्क में है तो फंडिंग दिलवा दीजिए। कौन कर रहा है फंडिंग? ये तो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे वही लोग बताएंगे। कौन लगा रहा है आरोप, पहले उनको सामने लाइए। ईडी सीबीआई उनके चाचा के कहने पर चलती होगी, हमारे घर पे भेज दीजिएगा। हम तो हमेशा कहते हैं कि ईडी सीबीआई में हिम्मत है तो हमारे घर की जांच पड़ताल कर ले, पता चल जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आती है, कि कहाँ से क्या होता है। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे, इतना तमाम काम करने के बाद भी इस टाइम फिलहाल वो हिरासत में। देखिए, किसी ने लिखा था, वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल, बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। तो ईमानदार को भारतीय जनता पार्टी जेल में भेजने का काम कर रही है। तमाम तरीके से जो अपने शायरी के अंदाज में समझा दिया लोगों को कि किस तरीके से, समझदार के लिए इशारा काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। हां, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा केजरीवाल जी को, अब ये तो भाजपा वाला बताएगा ना काहे नहीं दिया जा रहा। भाजपा वाले क्यों बताएंगे? अच्छा बताइए, भाजपा में हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाजपा ने बेचने का काम किया, बेचने का काम किया, बेचने का काम। भाजपा ने कुछ चीजें खरीदी हैं, ईडी को खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिया, पत्रकारों को खरीद लिया। हमारी तरफ इशारा मत कीजिए। नहीं, आपके तरफ नहीं कर रहे हैं, तो इशारा करिए मत। बताया है, देखिए चैनल के नाम से और पैसे से दोनों फर्जी हैं, बल्कि सवाल एकदम मुद्दे की करेंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि पत्रकारों को बहुत चीजें जो उन्होंने खरीदने का काम किया है, और बेचने को तो पूरी संपत्ति बेच दी है। गिनवाएंगे, रेल बेच दो, सेल बेच दो, भेल बेच दो, खेल बेच दो, पत्रकारों को बेच दो, और फिर इशारा कर रहे हैं आपको नहीं बोल रहे खरीद ले, फिर आपको नहीं बोल प्रवक्ता भी खरीद रहा है भाजपा वाला। अच्छा, गौरव वल्लभ जी को खरीद लिया और भी कुछ लोगों को खरीद लिया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को, सुनो भाई पहले लोकतंत्र को खरीद लो, और इस सब पर जो सवाल उठाए उसको जेल भेज दो। रेल बेचो, तेल बेचो, सेल बेचो, खेल बेचो, जो सवाल पूछे उसे जेल भेजो। मतलब यही सवाल आप भी कर रहे हैं फिर तो अगला नंबर। नहीं नहीं, देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जेल में ये हमको भेजे हैं, और कितनी बार भेजेंगे, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी तब जाके इस देश में आजादी आई थी। तो भाजपा से आजाद करवाने के लिए अगर ये जेल में हमको डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी गए अभी तक? हाँ, हमको 29 अप्रैल को पिछली बार भेजे नहीं थे भाई, आपको नहीं पता है?
तभी तो कह रहे हैं। हाँ, तो भेज देंगे, पर्चे में रहते हैं, इसलिए पर्चे में रहते हैं। देखिए, जेल में भेजना इनका पैसा है। अच्छा, क्योंकि इनके पुरखे जेल में जाके माफीनामा लिखा। पहला चरण का जो चुनाव हुआ है तो 102 सीटों पर हुआ है और 102 पर भाजपा की कुर्सी चरमरा गई है। अब कुर्सी का जो चारों पैर है ना, कुछ पत्रकार हैं जो दीमक की तरह उसे खा लिए हैं, अब वो खत्म हो गई है कुर्सी। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के हारने का सबसे बड़ा कारण कुछ पत्रकार भी हैं, समझ जाइए आप, जो दिन रात भक्ति करते हैं। पहले हमारे पुरखे जो थे वो भैया माला डाल के सीताराम 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 सीताराम, अरे बाप हमको बताएंगे, हम सीताराम भी नहीं बोल सकते हैं। यही मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र नहीं है। सुनिए, काम है इनका, इनका काम है नहीं इनका। अब मैं आपको बता दूं, अब जब से भाजपा के पत्रकार हो गए हैं अंदर, मोदी नामा मोदी 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 मोदी, क्या हो रहा है महाराज, ना हमको मालूम है ना इसे फर्जी पत्रकार को मालूम है। खैर छोड़िए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुद्दे पर बात करते हैं। आगे देखो लाइन पे आगे, इनको पता है कि हमका जब ये मोदी मोदी कर रहे थे तमाम, जो आप कह रहे कि मोदी मोदी आजकल करने लग गए हैं लोग। हाँ, पत्रकार करता है, फायदा हो रहा है उन लोगों को कुछ। अब वो तो उनको हो रहा होगा तभी ना करेंगे भैया। अच्छा अच्छा, जैसे आपने, जैसे अभी मैंने आप पे आरोप लगा दिया, जैसे मैं फर्जी पत्रकारी का मैंने आरोप लगा दिया, भगवा पहना तो आपने मोदी सपोर्टर होंगे, ऐसे तमाम लोगों पर आरोप लगने लग गया है कि भैया इसने भगवा पहन लिया, ये मोदी भाजपा समर्थक हो गया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान राम के जो अशोक जो उनका ध्वज था वो भी भगवा था। अच्छा, राम जी उगता हुआ सूरज का जो रंग होता है वो भी भगवा होता है, हनुमान जी के लंगोटे का जो रंग था वो भी भगवा था। तो हमारा तो सनातन का प्रतीक भगवा है। तो यही तो आरोप लगता जा रहा है बीजेपी की, धर्म की राजनीति कर रही है। देखिए, धर्म की राजनीति भाजपा शुरू से करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती आई है। अब जनता को समझना चाहिए कि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान जवान मुद्दा है या फिर हिंदू मुसलमान मुद्दा है, ये तय जनता को करना पड़ेगा। तो मतलब आप मानते हैं कि इस बार जो 400 पार के नारे लगे हैं ये खोखला है, ये खोखला हो गया पूरा। अच्छा, मैनिफेस्टो, जिस तरह अपने अपने मैनिफेस्टो की बात करी, आरोप लग गया उनके मैनिफेस्टो में क्या है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो मैंने आपको बता दिया, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? वो फिर से कह रहा हूँ, हम एमएसपी पे किसान के लिए काम करेंगे, भारतीय जवानों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। और फिर से यही बातें हो रही है उनकी, जिस तरीके से उन्होंने पहले बोला गया था कि महिलाओं को हम सिलेंडर फ्री में देंगे, हिसाब पिटा के वही है जो 10 साल में देते आए हैं। पहले मोदी जी ने 1 रुपए वाली टॉफी दी, फिर दूसरी बार लॉलीपॉप दे दिया, अब तीसरी बार सिर्फ डंडी दे दिया है, चूसते रहो। तो बहुत ही अलग ही बात कर दी। मैं अलग बात नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए कि सिर्फ और सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हाँ। अब उसके ऊपर की टॉफी कहाँ है? अडानी और अंबानी के पास पहुंच गई है, जनता के सामने सिर्फ डुंडी बची। अच्छा, अमीरों में सिर्फ अडानी और अंबानी का नाम क्यों आता है? क्योंकि 609 नंबरी को 2 नंबरी मोदी जी ने बना दिया। मोदी जी की सरकार में अडानी और अंबानी कहाँ पहुंच गए जनता जानती है। 370 जब हटा था काफी नारे लगे थे कि इस बार तो चलो 400 पार तो नहीं, तो 370 सीटें तो पूरी पूरी है, लेकिन उसके पीछे के जो रहस्य है वो किसी ने जाना नहीं। देखिए, 370 हटा दें, ये 3 तलाक हटा दें, अच्छी बात है, लेकिन हमने इनको चुना था कि ये महंगाई का नाप लेके महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी का नाप लेके बेरोजगारी को कम करेंगे, लेकिन आप जैसे जब से पत्रकार हो गए हैं उनकी छाती नाप के आते हैं कि 56 इंच है, 54 इंच है। हमारे ऊपर तो बार बार उंगली उठाई जा रही है कि छाती नापी जाती है तो पैर नापा जाता है, ऐसा तो हमने कुछ नापा नहीं। नहीं, हमने उनको इसीलिए नाप लिया था ना कि उनकी छाती 56 इंच की है तो महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे, इसीलिए जनता ने चुना था भाई। आप ही जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया इतना महंगा प्रधानमंत्री रखा है तो फिर भी महंगे खर्चे भी होंगे। मतलब इतना महंगा प्रधानमंत्री रखा है, मैं फिर बार बार मैं साहब कहता था कि अडानी और अंबानी का नौकर है, नौकर को ही रखा जाता है महंगी सैलरी पर। अच्छा, तो ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे, आप ही जैसे कुछ लोग कहते हैं। तो किसी ने तो कहा है नौकर नौकर ही रहेगा, तो हम तो कह ही नहीं रहे, आप ही जैसे लोग कह रहे हैं, हम तो वही बता रहे हैं बस आपको। वो आपने अच्छा किया बता तो दिया, कुछ पत्रकार हैं वो तो बताते भी नहीं है। चलो यही तो इसलिए तो कह रहे हैं, फर्जी पत्रकार है कुछ सच्चाई दिखा देते हैं। तो अब ये आप क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मान लो अगर कुछ फेरबदल होता है सरकार, देखिए सरकार राहुल गांधी जी ने जैसा कहा है कि सरकार किसी न किसी दिन तो बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदली लोकतंत्र का चीर हरण करने वाले को मैडम बख्शा नहीं जाएगा, जान जाइए आप भी। और आप लोग अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो आप लोगों को, क्योंकि मैडम आपको भी पता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारे अकेले ही मकान थोड़ी है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। क्या बात है, मतलब तो सबका नंबर आएगा। शायरी में अपनी सारी बातें कह देते हैं और इंदौरी साहब जाके इनडायरेक्टली नहीं बोलते, बट ये है कि हाँ जाते जाते जनता को क्या कहेंगे और जो आपको समर्थक है, आपके जो चहेते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको क्या कहेंगे? वोट तो भैया हम देख लो, पहले चरण का हो गया है, दूसरे चरण का 26 तारीख को, मतदान तो पहले बहुत जरूरी है। अब
आखिरी बात हम बता दें कि वोट डालने जाइएगा तो 15 लाख जरूर याद कीजिएगा, महिला सुरक्षा पे जरूर ध्यान दीजिएगा, किसानों का आय दुगना नहीं हुआ उस पर भी ध्यान दीजिएगा, युवाओं को जिस प्रकार से भाजपा की पुलिस ने पीटने का काम किया है वो भी याद रखिएगा, तब वोट डालिएगा। तब वोट आपका कहाँ जाता है ये जनता भी जानती है, और इन पत्रकारों के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि रुझान कुछ और दिखाएंगे, ईवीएम में कुछ और रहेगा और बाद में रिजल्ट कुछ और रहेगा। अच्छा, इससे सावधान रहिएगा। तो जैसे हम फर्जी पत्रकार हैं, ये फर्जी प्रवक्ता बन गए हैं। फर्जी प्रवक्ता है, फर्जी प्रवक्ता है, फर्जी प्रवक्ता है, फर्जी प्रवक्ता है, फर्जी प्रवक्ता है। और क्या, कहाँ के जनता की बात कर रहा, प्रवक्ता हूँ मैं, जनता का प्रवक्ता हूँ, किसान का प्रवक्ता हूँ, युवा का प्रवक्ता हूँ, महिला का प्रवक्ता हूँ, श्रमिक का प्रवक्ता हूँ, SC ST पिछड़ा दलित आदिवासी का प्रवक्ता हूँ, मुस्लिम का प्रवक्ता हूँ, मैं सबका प्रवक्ता हूँ। मुद्दे कौन लेकर चल रहे सारे, मैं सब कौन लेकर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है। साबित हो गया कि किस पार्टी के प्रवक्ता है, इन्होंने खुद बोल दिया अपने मुंह से कि भैया नहीं। देखिए एक चीज बताइए, भाजपा वाला कभी लेकर चला है इन मुद्दों पर, कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है हमारी विचारधारा पर, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर हम लोग चल रहे हैं, तो भैया बिल्कुल हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, इनकी बात जो विचार है इनके वो आगे तक जाने चाहिए, और वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा भी, ताकि इनके जो विचार इन्होंने रखे हैं वो मोदी जी तक भी जाए।